दैनिक भास्कर के चेयरमैन स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल की पुण्य स्मृति में रक्तदान कर प्रेरणा दिवस मनाया गया। कुरुक्षेत्र में मेहरचंद मेहंदी रत्ता चैरिटेबल डिस्पेंसरी में रक्तदान कैंप लगाया गया। कुरुक्षेत्र में बिल्स संस्था से अंजलि मारवा, अन्नपूर्णा रसोई से अवनी गुप्ता, लायंस अश्विनी अरोड़ा, फिटनेस क्लब के अमित अरोड़ा, मेहरचंद मेहंदी रत्ता ट्रस्ट के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा व राजीव अरोड़ा, सर्व समाज कल्याण समिति और प्रयास के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक वर्मा ने सहयोग किया। कुरुक्षेत्र उपायुक्त मुकुल कुमार व एएसपी करण गोयल ने शिविर का शुभ आरंभ कर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल की टीम ने लगभग 50 यूनिट रक्त इकट्ठा किया। दैनिक भास्कर समूह द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, वास्तव में सराहनीय कार्य है। इस तरह की कहा जाता है कि रक्तदान से बड़ा दान कोई नहीं है। आपका दिया हुआ रक्त समय पर किसी के काम आ जाए तो जिंदगी बचा दिया। तो मैं अपनी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से इनको शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे सामाजिक कार्यों में अपना हिस्सा लेते रहेंगे। आज बड़ा अच्छा, इन्होंने रमेश चंद्र अग्रवाल फाउंडेशन, दैनिक भास्कर जी के फाउंडर थे, उनकी याद में उनको उनका प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए बड़ा अच्छा एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है। और बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके 100 से ज़्यादा, और उम्मीद है इससे बहुत दोगुना और तीन गुना होगा इनका नंबर, तो ये करके समाज में इसी तरह से लोग जुड़े रहें और सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहें। और उसी श्रृंखला में हम भी इनको मोटिवेट करने के लिए सब साथ जुड़े हुए हम लोग इनको आए हैं, और आइंदा के लिए भी इनको ऑल द बेस्ट कहते हैं और हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज इनके साथ हमेशा रहेंगी। आज दैनिक भास्कर के जो संस्थापक हैं स्वर्गीय रमेश जी अग्रवाल जी, उनके जन्मदिन पर ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। और रक्तदान की जब हम बात करते हैं तो आज रक्तदान के बारे में काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं। यदि हम पुरानी बात करें, 1990 की बात करें, तो 1990 के दशक में रक्तदान करने से लोग डरा करते थे। जब किसी की रिश्तेदार कहते ना रक्त की आवश्यकता है, तो वहाँ ब्लड बैंक में जा करके छुप जाया करते थे और नीचे उतर जाया करते थे, भाग जाया करते थे वहाँ से। आज ऐसा तो नहीं है, आज काफ़ी जागृति हो चुकी है, लोग रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। परंतु आज भी इतने रक्तदान शिविर लग रहे हैं तो तब भी रक्त शिविर रक्त के लिए लोगों को मारे मारे फिरने पड़ रहा है। मेरी समझ से बाहर बात है कि हर महीने में, हर दिन में रक्तदान शिविर निरंतर जारी है, फिर भी रक्तदाताओं के रक्त जो रक्त जिनको रक्त की आवश्यकता है वो फ़ोन भी करते हैं हमारे पास और उन्हें रक्त मिलते ही नहीं है। अब ये समस्या का समाधान आप जो है मीडिया है, आप देखें कि क्या क्या कारण है इसका कि लोगों को रक्त क्यों नहीं मिल पाता। तो सभी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को जिसकी आयु 18 वर्ष है और 65 वर्ष तक का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। आपके सामने मैं स्वयं खड़ा हूँ, मैं उन रिकॉर्ड 146 बार रक्तदान कर चुका हूँ और 67 बार प्लेटलेट्स दिए हैं। यदि रक्तदान से शरीर में कमजोरी आती तो फिर मैं तो इस धरती पर ना होता, भगवान के पास होता। तो रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती, ये एक भ्रम है, ये भ्रांति है, इस भ्रांति को दूर करना चाहिए। और मैं तो हमेशा सदैव यही कहता हूँ कि आओ आओ मिलकर कसम हम खाएं, रक्त की कमी से ना कोई जीवन जाए, जात पात से ऊपर उठकर हम इंसानियत की ज्योत जगाएं, हम सब हैं भारतवासी, भारत देश का गौरव बढ़ाएं। मेरा ये आज 8वीं बार रक्तदान था और मुझे आज रक्तदान करके बहुत अच्छा लगा। जिस फाउंडेशन के माध्यम से ये आज रक्तदान हुआ, वह फाउंडेशन हमेशा से ही समाज के कार्यों के अंदर अग्रणी भूमिका में रहती है। और आज यह मेरा सौभाग्य था कि आज इस पर्व के अवसर पर, इस दिन के अवसर पर जब फाउंडेशन ने यह रक्तदान शिविर लगाया तो मेरे साथ साथ मेरे मित्रों ने भी रक्तदान किया। और हमेशा से ही रक्तदान हमारे लिए एक विशेष रहता था कि हमारा एक बूंद रक्त की कुछ बूंदें अगर किसी का जीवन बचा ले, तो ऐसे ही रक्तदान सेवा के लिए हमको और हमारे सभी युवा दोस्तों को हमेशा आगे आना चाहिए। मैं नरेश सैनी हूँ, रिटायर्ड चीफ टेक्निकल ऑफिसर ब्लड बैंक कुरुक्षेत्र से। तो आज जो दैनिक भास्कर समूह के द्वारा के माध्यम से स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी के पुण्य स्मृति में जो रक्तदान शिविर आज हमारे यहाँ कीर्ति नगर में हमारे जो स्वर्गीय मेहंदी रत्ता जी की जो डिस्पेंसरी, चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, उनके पुत्रों के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो इस अच्छे प्रेरित कार्य के लिए मैं पहले तो सभी अब दैनिक भास्कर समूह को शुभकामनाएं देता हूँ। और यही मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जैसे आज
हमारे राजीव अरोड़ा जी हैं, फकीर अरोड़ा जी हैं और हमारे सभी मीडिया के जो बंधु हैं उनके सहयोग से और कुछ संस्थाएं हैं उनके सहयोग से आज जो डोनेशन कैंप लगा है। तो ऐसे कैंप रूटीन में अगर लगते रहें तो शायद जो हमारे ऐसे नीडी पर्सन हैं जो मरीज हैं तो शायद फिर जो है ब्लड की कमी से उनको कोई दिक्कत ना आए। तो मैं अपने सभी नागरिकों से जो भी हमारे योग्य रक्तदाता हैं 18 वर्ष से लेकर 65 साल की एज तक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और उनको मेरी यही अपील है कि उनसे कि भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं भी ब्लड डोनेट करें और औरों को भी मोटिवेट करें ताकि हमारे समाज में जो कि रक्त की कमी किसी को जूझना पड़े उनको ऐसी दिक्कत ना आए और अपने इलाज कराने में उनको सहूलियत रहे, दिक्कत ना आए। तो मेरी ये शुभकामनाएँ और मैं पुनः साधुवाद देता हूँ अपने भास्कर समूह को कि भी उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है श्री मिश्र जी अग्रवाल जी के पुण्यतिथि पर। तो आप सभी को मेरा प्रणाम है और नमस्कार, धन्यवाद। मैं अविनाश कौर, आज मेरे को यहाँ पे रमेश चंद्र अग्रवाल जी की 70वीं जन्मतिथि पर रक्तदान देने का मौका मिला और जिसमें मैं दैनिक भास्कर को बहुत बहुत अपनी संस्था की तरफ से सर्व समाज कल्याण समिति की ओर से बहुत आभार प्रकट करती हूँ और मेरे को ब्लड देके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड डोनेट करें ताकि ब्लड के कारण किसी की भी जान ना जाए और हम इस ब्लड की वजह से जो डेंगू फैल रहा है इसमें हम लोगों की मरीजों की सहायता कर सकें। ब्लड आज स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी की पुण्यतिथि पे जो हमारे दैनिक भास्कर ने आज हमें ब्लड डोनेट का मौका दिया, ये एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। ये किसी भी दुकान या फैक्ट्री में नहीं बनता, जब भी किसी मरीज को इसकी ज़रूरत पड़ती है वो एक मानव शरीर से ही मिल सकता है, इसकी कहीं से भी आपूर्ति नहीं की जा सकती। और मैं सभी युवाओं से आह्वान भी करूँगा, जैसे कि हमारी सर्व समाज कल्याण सेवा समिति आज इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रही है और हम अभी तक 170 ब्लड डोनेशन कैंपों का आयोजन कर चुके हैं, जहां डेंगू की महामारी या अन्य कई एक्सीडेंट है या किसी और उसमें एक बहुत ही ज़रूरत जहां पे ब्लड की रहती है, तो जो अगर लोग उसको डोनेट नहीं करेंगे तो काफ़ी लोगों की जान चली जाएगी। मैं उन रक्तदाताओं को आज सैल्यूट और सलाम करता हूँ जिन्होंने आज रक्त दे के अपने एक रक्तदाता ने 3 लोगों की जान बचाने का काम किया है। तो मैं उन सभी रक्तदाताओं को जो आज हमारे इस कार्यक्रम के असली हीरो हैं मैं उनको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ ऐसे रक्तदाताओं को जो बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी लाभ के अपना रक्त दान कर लोगों का जीवन बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं ऐसे सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद करता हूँ, सारे समाज सेवियों का और ख़ासकर मैं दैनिक भास्कर का आज धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज इस प्रकार की सेवा का हमें मौका दिया। तो भविष्य में जब भी हमारी ज़रूरत होगी, जब भी हमारे पास कॉल आती है, हम रक्त प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।